अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर हो, ऑफिस में होंगे। तो आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। तो अभी सुबह के 10 बज रहे हैं, तो मैं करने लगा हूँ जी नाश्ता। नाश्ता मेरा आ चुका है। तो आज नाश्ते में जी चने, दही, लस्सी, नान और हलवा। हलवा घर में खुद बनाया, तो अभी सब टेस्ट करते हैं, देखते हैं कैसा बना। हलवा टेस्ट करते हैं जी। बेहतरीन हलवा बना, भी नान के साथ चने ट्राई करते हैं। मजेदार। अभी चुपचाप करते हैं जी नाश्ता और नाश्ते के बाद आपको मिलते हैं। अभी हम जा रहे हैं जी अलीपुर, तो मेरे साथ हैं जी एसन भाई। तो अभी रास्ते में हम हाँ भाई, एसन भाई कैसा सफर सही जा रहा है अभी तक? बहुत बुरा जा रहा है। क्यों बुरा जा रहा है? अभी बहुत बुरा जा रहा है। पता नहीं क्यों बुरा जा रहा है, बस बहुत बुरा जा रहा है। तो आज मौसम कुछ इस तरह के, कभी धूप आ जाती है और कभी बादल आ जाते हैं। तो खैर हम चलते हैं जलीपुर, तो अलीपुर जाकर आपको मिलते हैं। हम पहुंच चुके हैं जलीपुर, तो अभी सलाम करा करके तो उसके बाद आपको मिलते हैं। तो अब हम जा रहे हैं जी वापस। तो ये देखें कितनी प्यारी धान की फसल है, हर तरफ सब्जा ही सब्जा हुआ हुआ है। जिधर निगाह डालें उधर ही सब्जा ही सब्जा, दूर दूर तक। आते वक्त बहुत ही गर्मी लग रही है, तो हम पीने लगे जी रो, वो रो बन रही है हमारी। इधर मैं इंतजार कर रहा हूँ, तो गर्मी बहुत है। यार आज मौसम चेक करो, मौसम पूरा लेवल का हुआ है। तो मैं छाते में आया हूँ, तो हर तरफ बादल ही बादल है। चेक करो पूरा लेवल का मौसम हुआ है, फुल एंजॉय करने वाला। तो छाते में गंदम परी हुई है, तो इसको डालते हैं जी तोरे में। तोरा मैंने इधर रखा था, ये तोरा पर है। इसको डालते हैं जी तोरे में, तो नीचे लेकर चलते हैं। बारिश तो आज ही किन्नी है, क्योंकि हवा भी बहुत तेज़ चल रही है, तो ऊपर से बादल भी बहुत गहरे आए हुए हैं। अभी जल्दी से समेटते हैं जी गंदम। गंदम समेट के तो उसके बाद मिलते हैं जी आपको। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर हो, आप सब। तो आज का व्लॉग करते हैं शुरू। तो आज का व्लॉग बहुत ही डिफरेंट होने वाला है, क्योंकि हम ट्राई करने जा रहे हैं जी खुद बना के जिंगर बर्गर। पहले कभी ट्राई नहीं किया, तो रात के 9 बजे सुबह का मैंने व्लॉग बनाया ही नहीं। तो अभी सोच रहा हूँ कि बना लिया जाए, क्योंकि काफ़ी दिन हो गया व्लॉग नहीं आया। तो आज बनाते हैं जी जिंगर बर्गर, देखते हैं कैसा बनता है, आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। सामान वगैरह मैंने इकट्ठा करके रख दिया, तो ये आलू रखा हुआ है ऊपर गर्म होता है, तो बाद में ये पीसेस फ्राई करते हैं। मैदा लगा लिया जी, अब इसको रखते हैं फ्राई करने के लिए। बर्गर बनकर रेडी हो चुका है, तो अभी इसको टेस्ट करते हैं। तो खुशबू बहुत प्यारी आ रही है, इसको केचप के साथ पहले ट्राई करते हैं जी। मजेदार, बहुत अच्छा बना है। बाद में मिलते हैं बाबू, मैं खा लूँगा, टेस्ट बहुत अच्छा है।